मैं एआर बकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आप लोग आए दिन देखे कि हमारे बोकारो में हमारा यहाँ का खतियानी जिनके पूर्वजों ने अपनी जमीन दे दी, आज उनका बेटा एक गुमठी तक नहीं लगा सकता है। अगर आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से तो कहीं ना कहीं बोकारो पर पूरे के पूरे बाहर से जो लोग आए हैं बसे हैं उन्हीं का अधिकार है। हमारे यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ नाम का बोकारो है। आज हमारे बीच में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जवाहरलाल महता जी हैं और इन्होंने आज प्रेस वार्ता की है। जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रेस वार्ता क्यों रखे आप? ऐसा है कि प्रेस वार्ता के पीछे मेरा मंशा था और हमने इस बात को रखे कि आज से करीब 24 तारीख को अखबार के माध्यम से या इसके पूर्व में भी पूर्वत जो सरकार रघुवर की सरकार जो थी वह सरकार भी इसके पहले वो प्रस्ताव भेजे थे कि नगर निगम एरिया में जो ग्रामीण पंचायत एरिया है पंचायत के 14 गांव को शामिल करने का प्रस्ताव और फिर से नगर निगम के द्वारा हमारे सरकार को 14 गांव को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव पुनः भेजा गया है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं नगर निगम में उस एरिया को शामिल करना चाहिए जो उसका क्राइटेरिया फुलफिल करे, जहां इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहां रोजगार का साधन आदमी को इंडस्ट्री के माध्यम से हो, वैसे एरिया को आप नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए। लेकिन जहां गांव के 90% लोग खेती पर निर्भर करता हो, जो खेती ही जीविका उपार्जन का साधन हो, वैसे जगह को नगर निगम में शामिल करना मेरे समझ के परे। जहां सुखाड़ जहां पड़ता हो, जहां इस बार भी उस गांव के लोगों को एकड़ में मोटा मोटी 7 से 8 हजार रुपया सरकार द्वारा अनुदान दिया गया हो और वैसे एरिया को नगर निगम में शामिल करके एक एकड़ जिसका भूमि है उस भूमि पर एक डिसमिल पर 122 रुपया टैक्स होल्डिंग टैक्स देने की जो व्यवस्था किया जा रहा है ये जनहित में उचित नहीं है। हम आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं। हम माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कारण वह गांव के बेटा हैं, झारखंड के बेटा हैं, उनको झारखंड के लोगों के प्रति उनका दर्द है। हम उनसे मांग करते हैं कि जो पूर्वज सरकार द्वारा रघुवर सरकार द्वारा जो साजिश के तहत यहाँ के गाँव के लोगों का जो दोहन शोषण करना चाहते थे उस प्रस्ताव पर रोक लगाया जाए और ग्रामीणों को नगर निगम में शामिल करने से बचाया जाए। कि जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं नगर निगम के, उनके द्वारा ऐसे गांवों को, ऐसे पंचायतों को शामिल किया जा रहा है जहां पर 90% लोग खेती करके अपना जीविका उपार्जन करते हैं और ऐसे अफसर हमारे बोकारो में हैं। आप तमाम लोग गाँव के रहने वाले हैं और जिन जिन गाँवों का नाम आया है आप लोग समझ सकते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है क्योंकि लोगों को लगता है कि कांग्रेस अगर कुछ बात कहे तो उनको यकीन नहीं करते। तो ये जो प्रस्ताव है ये कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लाया गया था और उन्हीं को फिर से भेजा जा रहा है, फिर से अमली जामा बनाया जा रहा है। और इसमें जो आदमी मट्टी के घर, अभी भी गाँव में लोग का मट्टी का घर है और जहाँ कोई भी इंडस्ट्री एरिया नहीं है, जहाँ कुछ भी आपका साधन नहीं हो, केवल उसमें से लोग जब आएंगे बीएससीटी एरिया में आते हैं तो प्लांट के अंदर मजदूरी करने आते हैं और वैसे लोग को इस तरह का टैक्स चढ़ाकर जो रघुवर जी की सरकार की मंशा थी वह दिखाना चाहते थे कि हम ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना चाहते हैं, जहाँ मनरेगा से कूफ बनता हो, जहाँ मनरेगा से सिंचाई के लिए तालाब निर्माण होता हो, वैसे जगह को नगर निगम में शामिल करने का जो प्रस्ताव दिया गया है वह किसी भी हालत में न्यायसंगत नहीं है। इसे जनता त्राहिमाम है, जनता बहुत ही आक्रोशित हैं, डरे हुए हैं कि हम लोग अब क्या होगा, जहां बिजली की बिल ली जाएगी, पानी के लिए उससे टैक्स लिया जाएगा, जमीन के लिए उनसे टैक्स लिया जाएगा, वह टैक्स आखिर देंगे कहाँ से? उस दिन के बाद वह जमीन या तो टैक्स के नाम पर चली जाएगी, कारण को न टैक्स दे पाएंगे न उनका जमीन बचेगी। जो गाँव के लोग
सरकार की मिनिमम रेवेन्यू जो पैसों में आज भी है वह रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, तो आदमी हजारों हजार रुपया टैक्स कैसे देंगे। तो ये साजिश के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को की जमीन को जो जीविका उपार्जन का साधन है उसको जो लूटने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश को हम किसी भी हालत में नाकाम करेंगे। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग उनसे मिलेंगे। हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस पर पुनर्विचार करेंगे। हमको विश्वास है मुख्यमंत्री जी पुनर्विचार करेंगे और एक बड़ी साजिश नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। इसके पूर्व में भी जब रघुवर दास की सरकार जब थी उस समय भी हमने ग्रामीण क्षेत्र में घूमकर करीब करीब महीनों घूमकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से के द्वारा हम लोग ने सरकार का विरोध करवाए थे। और उसमें से उस समय तो फिर मैंने कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। पुनः जब इस पर फिर से पानी डाला जा रहा है इसका जड़ में कि फिर से ये पौधा उगावे, तब हम लोग को फिर से मान लीजिए सक्रिय होना होगा। ये देखिए जब भी भाजपा का सरकार जो करीब करीब झारखंड में करीब करीब 18 से 20 साल इनकी सरकार रही और इस सरकार का एक ही सूत्री कार्यक्रम रहा कि झारखंड की जनताओं को या झारखंड की धरती को से जो भी हो उसका लूट खसोट करना और झारखंड की जनताओं को केवल जातिवाद धर्म के नाम पर लड़ाना, यही इसका मकसद रहा है। और उसका ही एक दूसरा ये साजिश है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करके और ग्रामीणों का जमीन भी इस जगह से चल जाए जो जीविका उपार्जन का साधन। गला फाड़ फाड़ के वो लोग चिल्ला रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने विकास का काम किया, हेमंत सोरेन लूटने का काम कर रहे हैं, कभी पहाड़ तो कभी। भाई ये तो बतावे सरकार कि अगर विकास आपने किए तो क्या विकास किए, कौन सा विकास आप झारखंड में किए। आज इसके बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जाके देख ले कि आज 5 साल की सरकार कांग्रेस की बनी है। कांग्रेस की सरकार में पूर्व में भी करीब करीब 5 साल थी, जब शुरू में 3 साल और उसके बाद बीच में बराबर रहा उनका सरकार बीजेपी की। हुआ का देख लीजिए उनके 15 साल के शासनकाल में और कांग्रेस का 4.5 साल के शासनकाल में क्या विकास हुआ है। इन लोग विकास नहीं, इन लोग विनाशक हैं। केवल एक ही सूत्र इन लोगों का कार्यक्रम रहता है कि हम धर्म के नाम पर जाति के नाम पर लोग को लड़ावें और क्षेत्र के विकास के नाम का झूठा ढिंढोरा पीटें। जब इन लोग की बात होती है तो इन लोग बराबर देखिए एक आपका एक सांसद हैं यहाँ जो मुख्यमंत्री बनने का बराबर ख्वाब देखते हैं और वो चाहते हैं कि बराबर हेमंत जी की सरकार को बदनाम करें। तो हेमंत जी इस धरती के पुत्र हैं, उनको जो दर्द इस क्षेत्र की जनताओं के प्रति है वह किसी भी हालत में भाजपाओं के नेता का यहाँ के जमीनी हकीकत जमीनी लोगों के प्रति दर्द नहीं हो सकता। तो ये हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जिन्होंने अपनी बात रखी। आप लोग कितना सहमत रखते हैं इनकी बात से अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। और आप लोगों का छोटा भाई का हमेशा प्रयास रहता है कि ऐसे ज्वलंत नेता जो हमारे झारखंड के गाँव के लोगों के यहाँ के खतियानदारियों के हित में नहीं है उसको हम पुरजोर तरीका से आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। और आप लोग समझिए कि आपका झारखंड वो किस गर्त में धकेला जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और नहीं समझ सकते हैं तो कुछ अच्छे लोगों से मिलिए। भैया ने अभी साफ साफ कह दिया है कि लोगों को जाति धर्म बांट कर बड़े इमोशनल तरीके से उनको मोटिवेट करना ये बीजेपी की आदत रही है। आप लोग भी देखिएगा आपके अड़ोस पड़ोस में जगह जगह पर तो आपको समझ में आएगी। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई AR बुकर भी लेता है आप लोग उस विधा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड।